अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से। बात करेंगे ओमान की चंद अहम खबरों के बारे में, चंद अहम खबरों के बारे में। आज 4 जनवरी 2021 जुमेरात का दिन है। बताते चलें कि थोड़ा जुकाम है, शायद आवाज़ में आपको थोड़ा डिफरेंस लगे, तो आप लोग दूर नहीं भागिएगा, आप वीडियो देख के जाइएगा। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो हैं उनको थोड़ी केयर करना होगी। सो इंशाल्लाह खैर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से अनाउंसमेंट की गई है कि एक बच्चों का सिरप है जिसका नाम है प्रोफिनल, आपके सीधे ब्रोफिन टाइप एक सिरप है जो बच्चों को बुखार और दर्द वगैरह से निजात के लिए दिया जाता है। वो जो है कह सकते हैं कि जो ओमान के स्टैंडर्ड्स हैं मेडिसिन के, उसको मैच नहीं कर पाया, इसलिए उसको विड्रॉ किया जा रहा है मार्केट से। अगर कोई पेशेंट जो है इस्तेमाल कर रहा है या आपको कहीं मिले तो आप वो सिरप मत यूज़ कीजिएगा, उसका कोई अल्टरनेटिव दूसरा यूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा है बहुत सारी औरतों को जो है 60 के करीब औरतों को गिरफ्तार किया गया आरोपी की जानब से। अब औरतों को गिरफ्तार किया गया, आप समझ जाएंगे कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, कोई गैर अखलाकी हरकत की वजह से। उसके अलावा है खबर जो वो है एक्सपैट्स के एक फ्लैट के ऊपर या घर के ऊपर कह सकते हैं रेड किया गया मान आरोपी की जानब से, और वहाँ पर बहुत सारी कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा रही थी जो कमर्शियल थी, लेकिन एक घर के अंदर चोरी छुपे, जहाँ पर बहुत लाइसेंस के बगैर जो है टोपियाँ कुम्मा मसर वगैरह जो है वो बनाए जाते थे और बाद में मार्केट में सेल किए जाते थे। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कमर्शियल बेस जो आप करते हैं घरों में, या बहुत सारे आपने देखा होगा आए दिन जो है मोस्टली कपड़े से रिलेटेड जो है वो दर्जी हजरात जो हैं बहुत सारे जो हैं वो बगैर लाइसेंस के घरों में बैठ के कपड़े बनाते हैं और बाद में इधर उधर बेचते हैं, या वैसे ही अपने कॉन्टैक्ट के जरिए जो है लोग एक दूसरे से ऑर्डर लेते हैं और घरों में बना के डिलीवर करते हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये इलीगल हैं, गलत हैं। सो टाइम टू टाइम जो है वहाँ आरोपी दीगर अथॉरिटीज हैं वो रेड करते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वॉयलेशन होती हैं, तो कोशिश करेंगे खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी महफूज रहने का जो है वो पूरा हक दें। उसके अलावा है आज 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे है। हर बीमारी के खिलाफ कोई ना कोई दिन मुतय्यन किया जाता है कि फलां दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और वो इसलिए नहीं सेलिब्रेट किया जाता है कि चार लोग मिलेंगे, गिफ्ट शिफ्ट होगा, ये होगा वो होगा, वो होता है अवेयरनेस के लिए, गेट टुगेदर। आप लोगों, मैं गिफ्ट विफ्ट क्यों कह रहा हूँ कि ओमान में हर साल जो है कैंसर डे भी मनाया जाता था, मोस्टली जो है कुरम गार्डन जो है वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे और टी शर्ट्स वगैरह, कैप्स वगैरह, बैग्स वगैरह, इसके अलावा पानी की बोतलें, जूस वगैरह, बहुत तरह तरह की इंटरटेनमेंट भी होती थी फ्री में, और आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिल जाता था, सानू भी मिले होने। तो क्या कहते हैं कि वो अट्रैक्शन के लिए होता है, लेकिन मोस्टली ये चीज़ें होती हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों में ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कहा जाता है जो लीडिंग टू डेथ, यानी ऐसी बीमारी है जो जिसका खात्मा मौत के ऊपर होता है इनरल। तो कोशिश करें खुद भी बीमारियों से अवेयर रहें, दूसरों का भी अवेयरनेस जो है वो फैलाते रहें, और चीज़ें जो है कहते हैं कि नॉलेज जो है वो शेयर करने से घटता नहीं है, बढ़ता है। तो हमेशा जो आपको जिस चीज़ का पता है वो ज़रूर शेयर करें, बेशक बीमारी हो, इलम हो, बेशक थानू कंप्यूटर खोलने का तरीका आंदा हो या मोबाइल बंद करने का तरीका आंदा हो, कुछ ना कुछ जो भी है वो ज़रूर शेयर करें। उसके अलावा है कुवैत ने जो है 2 वीक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान, नॉट फ्लाइट ऑपरेशन बल्कि जो फॉरनर हैं बाहर से कोई भी बंदा कुवैत के अंदर इंटर नहीं हो सकता, सिर्फ जो कुवैती लोग हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको इजाज़त होगी, और डोमेस्टिक वर्क जो घरों में लोग काम करते हैं उनको इजाज़त होगी कुवैत में इंटर होने की। बाकी 2 हफ्ते के लिए टोटली कुवैत जो है बाहर से कोई इंट्री नहीं होगी, सिर्फ कमर्शियल प्रवास हैं जो वो चलेंगी या कुवैत से बाहर लोग जा सकते हैं। और 7 फरवरी से लेकर अगले 14 दिन तक जो है तमाम लोगों को कुवैत आने की इजाज़त नहीं होगी, सिवाय 2 कैटेगरी की, या तो रिलेटिव हूँ या डोमेस्टिक वर्कर हूँ। इसके अलावा कुवैत में जो है शाम को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का बैन लगाया जा रहा है, 7 फरवरी से स्टार्ट होगा और 1 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगा, तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद रहेंगी। सो इंशाल्लाह खैर, देखते हैं कि आने वाले वक्त में ओमान के हवाले से भी इसलिए बता रहे हैं कि कुवैत में भी हो रहा है, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है और ओमान के जो है वो भी प्लान है, तो हो सकता है ओमान भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए। उसके अलावा है जी एक्सपैट्स 2020 में तकरीबन 5.5 लाख के करीब एक्सपैट जो ओमान छोड़ के गए, पहले तादाद थी 2019 में जो तादाद थी वो 17 लाख थी, 2020 में जब 2020 के एंड पर 14,43,128 लोग जो हैं वो ओमान छोड़ के जा चुके हैं, यानी तकरीबन 5 लाख के करीब लोग एक डाटा के मुताबिक एनसीएसआई
के मुताबिक 5 लाख के करीब लोग ओमान छोड़ के जा चुके हैं। इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे हम, एग्जैक्ट फिगर जो है वो सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो मसूल होते हैं हम इमिडिएटली जो है एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि किस साल में कितने एक्सपैट छोड़ के गए, स्पेशली 2020 में जो है ओमान में से किस मुल्क के कितने लोग जो हैं वो ओमान में हैं, कितने छोड़ के जा चुके हैं, गवर्नमेंट्स के की जॉब से कितने लोगों को रिप्लेस किया गया, निकाला गया प्राइवेट में से, तमाम डिटेल जो है जैसी आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, मजीद खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल विजिट करते रहें। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो इग्नोर कर दें। जजाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।